गुनहगारों पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है, हमारे साथ निर्भया के पिताजी मौजूद हैं। फैसले पर पूरे देश की नजरें हैं और आपका भी स्ट्रगल काफी लंबा रहा है इस लड़ाई को, यहाँ तक 9 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली इस पूरे मामले की, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह, क्या उम्मीद है फैसले से? पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, हमारी बेटी को न्याय मिलेगा, पूरे समाज को न्याय मिलेगा, क्योंकि ये घटना भी एक अजीबोगरीब घटना है तो फैसला भी अजीबोगरीब आएगा। और ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन अब इसके बाद तो दूसरी कोई कोर्ट है नहीं, तो वहाँ के जो भी जज हैं सोच समझ के फैसला देंगे। सबको समय देना था, उन्होंने दिया, हम लोगों को भी दिया, उन लोगों को भी दिया, हमने भी सब दोनों तरफ की बातें सुनी, अपने तरफ की भी सुनी, उन तरफ की भी सुनी, सबको मिला करके ये साफ शब्दों में नजर आता है कि हमारी बेटी को न्याय मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी, वो भी फांसी की। जो नाबालिग आरोपी था उसको लेकर भी आपने लगातार सवाल उठाए, जो कानून के मुताबिक उसको, क्योंकि नाबालिग था, रिहा कर दिया गया है उसको, वहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन सेंटर था वहाँ पर रखकर, वहाँ पर भी आपको कहना था कि आप उसमें भी अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अब आज ये भी फैसला है, अगर जो फैसला है वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आता है तो क्या स्टैंड रहेगा आपका? वो तो उसी समय जो भी हो ना उसी समय हम ले लेंगे कि हमें करना क्या है, लेकिन हम ये नाउम्मीदी पर हमें नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जब आपको बता रहे हैं कि हम 9 महीने जब जब केस चले तब तक हम वहाँ गए हैं और पूरा माहौल को हमने देखा है कि कहीं ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमको न्याय न मिले, तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर के बाद आप देख ही लेंगे क्या फैसला आ रहा है, तो आपको भी विश्वास रखिए, क्योंकि हमारे साथ पूरा देश है, पूरी मीडिया है, सबका सपोर्ट है, तो महिलाओं की सुरक्षा अब कौन करेगा? सरकार तो नजर नहीं आ रही है, सरकार तो चुप हो गई बिल्कुल महिलाओं के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी ऐसा दरवाजा है जहां खटखटाने पे सबको न्याय मिलता है या मिलेगा, तो हमको भी मिल रहा है या मिलेगा बाकी सबको भी। निर्भया की घटना के बाद लगातार कानून बने, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल भी हुए, क्या आपको लगता है कि सुरक्षित हो चुका है देश, कोई असर आया है, कोई फर्क पड़ा है? देखिए, देश सुरक्षित तब तक नहीं होगा जब तक कि सरकार नहीं चाहेगी। हमारे देश की जो भी सरकारें हैं, कोई भी चाहे आई गई जो भी है, ये सिर्फ अपने सत्ता में आने के लिए महिलाओं का सहारा लेते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन आने के बाद कोई कभी बात नहीं करता महिलाओं के ऊपर, बल्कि और ऊपर से उल्टा ही बोलते हैं कि कपड़ा छोटा है तो बच्चे हैं, गलती हो जाती है, कोई कहता है कि जहाँ चीनी रहेगी वहाँ चींटी लगेगी, तो उन लोगों को जरा सोचने की जरूरत है, ठीक है ना, उन लोगों को सोचने की जरूरत है और सरकार को समझाने की जरूरत है कि आप जिस पद पर बैठे हो उस पद पर बैठकर अगर अच्छा ना बोल सको तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत मत बोलो। तो बिल्कुल उम्मीद है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आना है वो इनकी आशा के मुताबिक रहेगा, लेकिन इस बात का मलाल है कि अभी भी महिलाओं की जो स्थिति है और लड़कियों की जो स्थिति है देश में वो नहीं सुधर पा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।